नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोको M6 Pro के लिए EU का स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया गया है, जो कि आपको चाइना रोम पे बेस्ड देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पर काफी फीचर्स आपको चाइना का देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि क्या क्या आपको इस फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि चाइना में आपको देखने को मिलता है, जो इस टाइम में आपको यहाँ पे EU रोम के अंदर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है पोको का M6 Pro और अभी हम इसमें यूज कर रहे हैं MIUI 14 का EU स्टेबल वर्जन, जो कि चाइना के ऊपर बेस है। मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। जैसे आप यहाँ अपडेट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा करंट इंस्टॉलेड वर्जन MIUI 14 का V14.0.8। ये आपको चाइना पर बेस देखने को मिल जाएगा और चाइना के क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे सारी डिटेल मैं आपको इसमें बताऊंगा। सुपर फोल्डर वगैरह आपको इंडियन वर्जन में भी देखने को मिल जाते हैं और आपको चाइना वर्जन में भी देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे विजिट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इंडियन वर्जन में ऐसे विजिट्स आपको कम सपोर्टेड देखने को मिलते हैं, कुछ ही फोन में सपोर्टेड देखने को मिलेंगे। उसके साथ आपको यहाँ पे डॉगी का विजिट्स भी देखने को मिल जाएगा, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे सपोर्टेड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ आपको सुपर फोल्डर के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इवन आपको यहाँ पे नीचे गूगल सर्च बार का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी आपको बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें इसमें आपको ऐड कर दी गई हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाएगी। इसमें आप कोई भी लैग या कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं सेटिंग की, तो सेटिंग में आपको कुछ चीजों में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन। इसमें अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के वाइज के देखने को मिल जाएंगे। इवन आपको इसमें सुपर वॉलपेपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये सारे आपके यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें आपको कोई भी लैग कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको सुपर वॉलपेपर बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाएगा। इवन आप इसको कस्टमाइज कर पाएंगे अपने होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के ऊपर। इनबिल्ट वॉलपेपर की बात किया तो आपको इसमें कुछ वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, जो कि आपको इंडियन वर्जन में भी देखने को ये मिल जाते हैं। तो इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इवन आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन क्लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके साथ नीचे आपको यहाँ पे आइकॉन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ चाइना बेस पे है कुछ इंडियन बेस पे, तो आप इसको चेकआउट कर पाएंगे। ये सारे आपके फोन में प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको कोई भी लैग्स बग्स देखने को नहीं मिलेगा। लॉक स्क्रीन में आते हैं तो लॉक स्क्रीन में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सारे आपके MIUI 14 जो कि इंडिया में भी देखने को मिलते हैं वो सब देखने को मिलेगा। इवन एक चीज आपको इसमें देखने को मिल सकता है, वो साइड पैनल शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर पाएंगे और कुछ भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। डिस्प्ले की बात की तो डिस्प्ले में आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे आपको यहाँ पे पुराने वाले देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन वगैरह में भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको इंडियन वर्जन में देखने को मिलता है वही आपको यहाँ पे EU वर्जन में भी देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन में अगर आप आते हैं तो होम स्क्रीन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इंडियन वर्जन में देखने को नहीं मिलता है। वन स्क्रीन में आते हैं तो आपको यहाँ पे ऐप वर्ल्ड गूगल डिस्कवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके साथ आपको यहाँ पे नन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इवन आपको अलग से यहाँ पे ऐप वर्ल्ड सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि देख पा रहे हैं ऐप वर्ल्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके साथ नीचे इसकी प्राइवेसी, डैशबोर्ड, सर्च बार, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने इसे डिसेबल कर दिया और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से आपका सर्च बार ऑप्शन हाइड हो गया है। अगर इसको मैं इनेबल कर दूं तो यहाँ पे सर्च बार ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके नीचे सर्च बार प्रोवाइडर में आपको यहाँ पे गूगल देखने को मिलेगा। मैंने आपको चेक भी करा दिया था कैसे आपको यहाँ पे गूगल सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन से आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर पाएंगे, जो कि आप चाइना में नहीं सर्च कर पाते। उसके नीचे आता है तो डबल टैप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। होम स्क्रीन लेआउट वगैरह पुराना देखने को मिलता है। आइकन्स में अगर आप आते हैं तो आइकन्स में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह साइज वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आपको इंडियन वर्जन में भी देखने को मिल जाता है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो हाइड ऐप आइकन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको इंडियन वर्जन में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पे डोंट शो टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आपको यहाँ इंडियन वर्जन में भी देखने को मिल जाता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सारे आपके वही पुराने वाले MIUI 14 जो कि इंडिया में भी देखने को मिलते हैं वही आपको यहाँ पे EU रोम में भी देखने को मिल जाएंगे। एडिशनल सेटिंग में आते हैं तो एडिशनल सेटिंग में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जस्टर शॉर्टकट में आते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डबल टैप फिंगरप्रिंट
सेंसर, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट भी कैप्चर कर पाएंगे, लॉक स्क्रीन भी कर पाएंगे, कैमरा को भी लॉन्च कर पाएंगे, गूगल असिस्टेंट को भी लॉन्च कर पाएंगे, नोटिफिकेशन सीट को भी ला देंगे, कंट्रोल सेंटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साइलेंट मोड का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे आपको ये वर्किंग देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी आपको बग्स लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सारे आपके MIUI 14 जो कि इंडिया में भी देखने को मिलता है वही आपको यहाँ EU में भी देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करते हैं तो कैमरा आपको इसमें MIUI 14 का देखने को मिलेगा, जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें आपको सारे मोड वर्किंग देखने को मिलेंगे, पोर्ट्रेट, नाइट मोड, वीडियोस, टाइम लूप सब आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। UI में आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि देख पा रहे हैं, नहीं आपको यहाँ पे कोई ऐप क्रैश देखने को मिलेगा। सुपर फोल्डर वगैरह आपको यहाँ पे स्मूथ वर्किंग देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिलेगा, जैसे देख पा रहे हैं काफी स्मूथ एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको यहाँ पे ब्लर देखने को नहीं मिलता है। एप्स आपको इसमें सब MIUI के देखने को मिलेंगे, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन भी आपको काफी स्मूथ देखने को मिलेगी, जैसे कि देख पा रहे हैं सुपर आइकॉन भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें कोई भी आपको क्रैश वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इवन सारे विजिट्स आपको यहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने डॉगी को लगा रखा है और साथ में यहाँ क्लॉक लगा रखा है जो कि आपको यहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। कोई भी आपको इसमें अलग से ऐप देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई ब्लॉटवेयर देखने को मिलेगा, सारे MIUI के ऐप देखने को मिलेंगे। इवन आपको इसमें प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं ये वर्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी नेट की बात की जाए तो सेफ्टी नेट आपको इसमें पास देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे एक बार चेक भी करा देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सेफ्टी नेट आपको यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिलेगा, सेफ्टी नेट आपको यहाँ पे पास देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग एप्स रन करने में कोई भी आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। रूट की बात की जाए तो रूट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, मैं एक बार चेक कराता हूँ आपको, रूट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे मैसेज शो कर रहा है रूट का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, यानी कि हमारा फोन रूट नहीं है, तो आप कोई भी बैंकिंग ऐप यहाँ पे रन कर पाएंगे। प्ले स्टोर सर्टिफाइड की बात की जाए तो प्ले स्टोर सर्टिफाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर आप सर्टिफाइड कर पाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे बैंकिंग ऐप यूज कर पाएंगे, जैसे कि देख पा रहे डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड, तो आपको पहले प्ले स्टोर सर्टिफाइड करना पड़ेगा उसके बाद ही आप बैंकिंग ऐप को यूज कर पाएंगे। बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन में आपको बता दूं कि ये रिकवरी के थ्रू फ्लैश नहीं होगा और ना ही आप इसको कोई कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर पाएंगे, इसको आपको एज अ फास्ट बूट रोम फ्लैश करना पड़ेगा, जैसे हम फास्ट बूट रोम को फ्लैश करते हैं। इसके जो फाइल का डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बाद आप इसको फ्लैश कर पाएंगे। इसको फ्लैश कैसे करेंगे, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दे दूंगा जिससे कि आप इस रोम को अपने फोन के अंदर फ्लैश कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।